हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 को देखेंगे। ये एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट वीडियो है, सो विदाउट डिले स्टार्ट कर देते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। सो हम लोग अब डायरेक्ट चलते हैं बोर्ड पे, और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, और द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, ये आपको बताना है। सो हम लोग चलते हैं बोर्ड पे और पहले इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रकृति को फाइंड आउट करते हैं, नेचर को फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। अगर मैं कोई भी एक द्विघात समीकरण ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में जो इसके मूल होंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि अल्फा और बीटा जो हैं इसके मूल हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तीन कंडीशन है, देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन कंडीशन आपको यहाँ से याद रखना है। तीनों कंडीशन ये बताता है कि कब इसके मूल किस तरह के होंगे। मूल निकालने से पहले आपको एक चीज जान के रखना होगा कि निरूपक होता क्या है। यहां से जो समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहां से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं निरूपक। ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं निरूपक, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो तीनों कंडीशन है इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। जब भी पूछेगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो समीकरण में जो मूल आएंगे वो किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे, तो हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये फाइंड आउट करना होगा। अगर हमने ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को फाइंड आउट किया और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जो भी आया वो ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, यानी कि जो निरूपक है उसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो से अधिक आ गया, तब हम बोलेंगे कि जो ये मूल है इस समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। दैट मीन्स जो मूल आएंगे वो रियल नंबर्स आएंगे और दोनों इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग उनका वैल्यू होगा। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अगर इसका वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो आ गया, तब हम बोलेंगे कि जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि मूल तो रियल नंबर होंगे ही, वास्तविक होंगे, साथ ही साथ इक्वल होंगे, यानी कि एक मूल अगर 5 आता है तो दूसरा मूल भी 5 होगा, एक मूल -10 आता है तो दूसरा मूल भी -10 होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल आएगा। तीसरा कंडीशन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निरूपक है इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाए, जीरो से कम आ जाए, मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, जीरो से कम होने का मीनिंग होगा माइनस में आ गया, -1, -2, -5, -10, एनीथिंग क्या हो जाए, माइनस में हो जाए, जिसका वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से कम हो जाए, तब हम बोलेंगे क्या कि मूल जो होंगे वो वास्तविक वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक जो है वो नहीं होंगे, यहां पर जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, यानी यहां पे जो मूल आते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं, वो रियल नंबर्स में नहीं रहते हैं। हम लोगों को जस्ट यही जानना है कि ये जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इससे रिलेटेड जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है जो समीकरण दिया गया है उसके मूल की प्रकृति क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो जस्ट अभी जो हम लोगों ने 1, 2, 3 कंडीशंस देखा है उन कंडीशंस को फॉलो करके ही इनका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। जस्ट हमको बता देना है कि इनके मूल की प्रकृति कैसी है। तो
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा देखेंगे, ए इक्वल टू यहाँ से 2 आ गया, बी इक्वल टू कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल टू 7 आ गया और सी इक्वल टू 3 आ गया। इसलिए अगर हम लोग निरूपक निकालें, निरूपक का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो निरूपक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पे क्या रखना होगा 7, तो हो गया 7 का स्क्वायर, 4 तो 4 ही रहेगा और a के जगह क्या रख देंगे 2 और c हो गया 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, दैट इज इसको माइनस करने से 49 से 24 माइनस करेंगे आ गया 25, और ये 25 क्या है ग्रेटर देन 0, 25 जो है वो 0 से अधिक है। और अब भी जब बताया गया था, जब 1, 2, 3 कंडीशन बताया गया था तो वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही क्या था कि अगर निरूपक का वैल्यू 0 से अधिक आ जाए तो मूल क्या होंगे वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ जस्ट बता देना है, इसलिए मूल जो होंगे वो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। मूल जो है वो कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं और असमान हैं, मूल वास्तविक और असमान है, बस इतना ही लिखना है। ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से भी हमको क्या करना है, मूल की प्रकृति फाइंड आउट करनी है। तो यहां भी जब कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इक्वल टू क्या मिलेगा -2√6 और c इक्वल टू मिल गया 2। देन निरूपक का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, निरूपक बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो b का वैल्यू हो गया -2√6, दैट इज -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मीनिंग हो गया 3 और c है 2। यहां देखेंगे, ध्यान देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6 हो गया। √6 का स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, √6 में √6 से मल्टीप्लाई, और हम जानते हैं रूट के अंदर दो बार कोई संख्या रहता है तो रूट से बाहर निकल जाता है, एक बार हो जाता है, तो √6 इंटू √6 केवल 6 हो गया, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, यहां हो गया 4 इंटू 6 24 माइनस 24, 24 से 24 माइनस किए तो कितना आ गया 0। अब निरूपक जब 0 हो जाएगा तो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया था कि अगर निरूपक 0 हो जाएगा तो मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। इसलिए मूल जो है वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान होंगे, मूल जो है वो वास्तविक और समान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और 4 को देखते हैं। यहाँ भी हमको जो मूल हैं उनके प्रकृति को बताना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे a इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 9। तो निरूपक क्या होगा, यहाँ से जब हम लोग निरूपक निकालेंगे तो निरूपक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b का वैल्यू है -7, तो ये हो गया -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और c है 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 7 का स्क्वायर हो गया कितना 49, 4 इंटू 2 हो गया 8, 8 इंटू 9 72। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये चूंकि निगेटिव ज़्यादा है पॉजिटिव कम है, इसलिए माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें निगेटिव साइन आएगा। अब हम लोग 72 से 49 को माइनस कर ले रहे हैं तो यहाँ 12 माइनस 9 हो जाएगा 3 और ये 6 हो गया, 6 माइनस 4 इज 2।
डेट इज -23। और अब क्या आ गया, जो निरूपक है वो निगेटिव आ गया, माइनस आ गया, इसका मतलब जीरो जो है उससे कम आ गया। और जैसे ही जीरो से कम आ गया, अब यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, थर्ड नंबर जो रूल बताया गया था कि निरूपक क्या हो जाए, जीरो से कम हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। जो मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक। ये क्या है, जीरो से कम है, इसलिए मूल जो है, मूल वास्तविक वास्तविक नहीं है। जो मूल है वो क्या है, वास्तविक नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहां से भी अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर हमको मिल जाएगा 2/5, b बराबर मिल जाएगा -2/3 और c बराबर 1 है। जस्ट हम लोग कंपेयर करके जनरल इक्वेशन से वैल्यू को यहां पे लिख लिए। इसके बाद हमको लिखना है निरूपक क्या होगा, निरूपक फाइंड आउट करना है। प्रत्येक क्वेश्चन में, वन में चार क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन में सेम प्रोसेस से हमको फाइंड आउट करना है मूल का प्रकृति। और वो कैसे फाइंड आउट होगा, निरूपक फाइंड आउट करके। तो निरूपक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे क्या प्लेस करेंगे, -2/3 -4। ए कितना हो गया, 2/5 और सी हो गया 1। अब देखेंगे माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, यहां से 4 × 2 = 8 / 5। 9 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ गया 45। 9 से 5 टाइम 5 × 4 = 20, यहां हो गया 5 से 9 टाइम 9 × 8 = 72। दैट इज, जब यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -52/45। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब ये क्या आ गया, वैल्यू जो है फिर से क्या आ गया, निगेटिव आ गया। मींस निरूपक का वैल्यू निगेटिव आने का मीनिंग ये हो गया कि ये जीरो से कम है। यानी निरूपक का वैल्यू जो है वो फिर से क्या आ गया, जीरो से कम आ गया, लेस देन जीरो हो गया। तो जब लेस देन जीरो हो जाएगा तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो मूल है वो वास्तविक नहीं होगा। फिर से ये कौन सा चला गया, थर्ड नंबर, जो तीसरा नंबर रूल था, थर्ड नंबर रूल, उसमें इसको हम लोग लिख लेंगे। इसलिए जो मूल है वो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं है। जो इसके मूल हैं वो वास्तविक नहीं है।